राम नाम हिंदुस्तान, सुबह के 8 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा मॉर्निंग शो राम नाम हिंदुस्तान का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। राम नाम हिंदुस्तान में आज के अहम खबरों पर बातचीत करेंगे और विस्तार से हर खबर आपको बताएंगे, लेकिन राम नाम हिंदुस्तान की पहली खबर क्या है ये जानने के लिए सीधा रुख करते ग्राउंड जीरो का, जहां हमारे सहयोगी चंदन मौजूद है। चंदन, राम राम। राम राम सोनिका और राम राम हिंदुस्तान की पहली बड़ी खबर जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर हुए चुनाव से जुड़ी है, जिसके आज नतीजे सामने आएंगे। 19 अक्टूबर का आज का ये दिन कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 24 साल बाद गांधी परिवार से इतर किसी को कांग्रेस की कमान मिलने जा रही है। और मैं इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हूँ और मेरे ठीक बगल में ये LED स्क्रीन विशेष तौर पर लगाई गई है, जिसका मकसद है कि बाहर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को अंदर जो वोटों की गिनती हो रही होगी उसका अपडेट पल पल मिलता रहे। इसके अलावा भी मुख्य मुकाबला, जैसा कि सबको पता है कि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच था, जिसमें तकरीबन 9,500 से अधिक कांग्रेस डेलीगेट्स ने मतदान किया। और आज जब 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी तो एक तय होगा कि आखिर कांग्रेस का अगला बॉस कौन होगा, अगला अध्यक्ष कौन होगा। ग्राउंड जीरो से हर अपडेट सबसे पहले जी हिंदुस्तान आप तक पहुंचाएगा, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अब राम राम हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी खबर जानने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो का रुख करते हैं, जहां सोनिका और करिश्मा मौजूद है। राम राम हिंदुस्तान में दूसरी खबर आपको बता दें, अक्टूबर में आतंक पर आखिरी प्रहार की है। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी बौखलाए हुए हैं, हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आतंकियों को कड़ी चेतावनी दे दी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाएगी, तो वहीं बिना नाम लिए गुप्कार गैंग पर भी निशाना साधा है। फिलहाल शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या करने वाला आतंकी इमरान बशीर गनी जहन्नुम पहुंच चुका है। सेना के जवान चुन चुनकर आतंकियों का सफाया करने में लगे हुए हैं। इस खबर पर विस्तार से आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन राम राम हिंदुस्तान में तीसरी खबर के लिए रुख करते हैं सचिन का। राम राम सचिन। राम राम सोनिका। और देखिए, अब आपको बताएंगे राम राम हिंदुस्तान की तीसरी खबर, पीएम मोदी के मिशन गुजरात की यह खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर पहुंचने के बाद एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। वहां से आपको बताएंगे आखिर क्या अपडेट है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पीएम मोदी गुजरात की जनता को चुनाव से पहले हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। जामनगर और राजकोट में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे, तो वही गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की हर अपडेट सबसे पहले आपको दिखाएंगे सिर्फ जी हिंदुस्तान पर, और ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट देंगे। लेकिन आप राम राम हिंदुस्तान की चौथी खबर जान लीजिए हमारी सहयोगी करिश्मा से। करिश्मा, राम राम। राम राम सचिन। राम राम हिंदुस्तान में चौथी बड़ी खबर अयोध्या के दीपोत्सव से जुड़ी हुई है। रामनगरी अयोध्या में इस बार होने वाले दीपोत्सव खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार छोटी दिवाली पर पीएम मोदी खुद अयोध्या में मौजूद रहेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम योगी रामलला के दर्शन करेंगे, मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे, साथ ही दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इन चार बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजरें होंगी, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं राम राम हिंदुस्तान में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां गैंगरेप से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। गैंगरेप का आरोपी इमरान गिरफ्तार हो चुका है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनकाउंटर के बाद पुलिस को इमरान ने पकड़ा है, ऑटो ड्राइवर इमरान के पैर में गोली भी लगी है। तो देखिए, आरोपी इमरान के पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। छात्रा को ऑटो से अगवा कर रेप का आरोप लगा है इमरान पर। इमरान के पैर में गोली लगी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इमरान को पकड़ लिया है, लेकिन लखनऊ में 3 दिन के अंदर यह तीसरी वारदात हुई है गैंगरेप की। इससे पहले 18 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। आश्रम में एक लड़की के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई थी। लखनऊ से लगातार ये खबरें सामने आ रही है और तस्वीर आपके सामने है जब इमरान को गिरफ्तार किया गया। अक्टूबर 2022 को विभूतिखंड थाना अंतर्गत एक गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कल हो गई थी और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी इसमें बाकी थी। जो इसमें अभियुक्त था उसका नाम इमरान था, जो जिसकी पहचान हुई थी। जो अभियुक्त की फोटो थी उसको कई जगह हम लोगों ने बांटा भी था, तो इसी फोटो बांटने के आधार पर एक मुखबिर के द्वारा हम लोग को ये सूचना मिली कि जो उसका अभियुक्त है उसको कठौता के पास देखा गया है। इस सूचना पर तुरंत एक्शन लेते हुए पूर्वी की क्राइम टीम और विभूतिखंड की जो थाने की टीम है उनको तुरंत बताया गया और वहाँ पे चेकिंग लगाई गई। वहाँ से ये देखा गया कि कठौता चौराहे से जो कठौता झील की तरफ रास्ता जाता है उसमें एक बाइक पे
वो बदमाश जो है भाग रहा है, क्योंकि वो संदिग्ध लगा तो उसको जब टीम में रोकने की कोशिश की तो कठौता झील की तरफ जो आने वाला रास्ता है वहां पे बदमाश ने अपनी बाइक छोड़ दी और वो भागने लगा। जब टीम ने उसको पीछे से ललकारा तो उसने जो है फायरिंग की, टीम ने जवाबी फायरिंग में उसके ऊपर जब फायरिंग हुई तो उसके पैर में, दाहिने पैर में एक गोली लगी और फिर उसको पकड़ लिया गया। मौके से 32 बोर की एक पिस्टल और 2 खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। तुषार, लखनऊ में 3 दिन के अंदर ही 3री वारदात हुई है गैंगरेप की, ऐसे में सवाल है कि क्या राजधानी में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है क्या? निश्चित तौर पर देखिए, बेटियों के सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये 3री घटना थी जिसमें गैंगरेप जैसी घटना सामने आई थी। आपको बताऊं तो इससे पहले 15 अक्टूबर को गैंगरेप हुआ था, लड़की के साथ ऑटो में गैंगरेप किया गया था। सबसे पहले लड़की को ऑटो में अपहरण किया गया, उसके बाद लखनऊ के प्लासियो मॉल के पीछे ले जाकर झाड़ियों में उसके साथ भेज दिया गया था। हालांकि इस मामले में अब दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में, एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा आरोपी इमरान जिसे देर रात एनकाउंटर में लखनऊ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताऊं तो पुलिस मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि वो कठौता चौराहे के आसपास देखा गया है, जिसमें पुलिस ने नाकाबंदी की और जब वो पुलिस के ऊपर फायरिंग किया तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसको गिरफ्तार कर लिया। अब उसका इलाज चल रहा है और पुलिस उसे इलाज के बाद उसको जेल भेज देगी। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो बिल्कुल तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि अगर प्रदेश की राजधानी में लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो सवाल भी खड़े होना लाजमी है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी से लखनऊ में 3 दिनों के अंदर रेप की 3री वारदात हुई है। लखनऊ के लोहिया पार्क में नाबालिग छात्रा से रेप किया गया, सोशल मीडिया फ्रेंड ने वारदात को अंजाम दिया। रेप के आरोपी युवक को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, सफलता मिली है, लेकिन देखिए किस तरीके से साजिश रची गई। सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती की गई और उसके बाद उसे बुलाकर उसके साथ रेप किया गया। बहत्तर घंटे में लखनऊ 3री बार शर्मसार, सोशल मीडिया पर दोस्ती जरा संभल कर, खत्म कानून का डर महिलाओं पर कहर। अदब और तहजीब की नगरी लखनऊ को आखिर क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि यहाँ इंसान के वेश में कुछ दरिंदे घूम रहे हैं जो लड़कियों को शिकार बना रहे हैं, उनकी अस्मत लूट रहे हैं और ऐसा बार बार हो रहा है। 72 घंटे के अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी से रेप की 3री वारदात सामने आई उसने लखनऊ को दहला कर रख दिया। ताजा मामला लखनऊ के लोहिया पार्क में एक नाबालिग छात्रा से रेप का है। लखनऊ के पौश इलाके गोमती नगर में स्थित इसी लोहिया पार्क में एक स्कूली लड़की के भरोसे का कत्ल हुआ और उसके साथ उसके ही दोस्त विद्यासागर कुशवा ने दरिंदगी की। ये दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी लेकिन दोस्त दरिंदा निकला और उसने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बना लिया। लड़की और विद्यासागर कुशवा की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। बताया जा रहा है कि विद्यासागर ने लड़की को लोहिया पार्क मिलने के लिए बुलाया था। लड़की का आरोप है कि पार्क में विद्यासागर ने उसके साथ रेप किया। लड़की घर पर पहुंची तो उसने अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में घर वालों को बताया। लड़की के परिजन उसे अस्पताल ले गए और पुलिस को भी इस बारे में सूचना दी गई। जो प्राथमिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये हैं कि जो पीड़िता हैं और जो अभियुक्त हैं उनकी इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्ती हुई थी और वो तभी वहीं से उनका नंबर शेयर हुआ था और इसी में अभियुक्त इनसे यहाँ पे मिलने आया था लोहिया पार्क में। इस घटना को देखते हुए लोहिया पार्क की जो सिक्योरिटी है उन लोग के लिए भी हम लोग एक लेटर भेज रहे हैं जिसमें उनको ये निर्देशित किया जा रहा है कि अपने यहाँ पार्क में जो भी अवांछनीय कृत्य है वो ना होने दें और अवांछनीय लोगों को ना घुसने दें। रेप का आरोपी विद्यासागर कुशवाहा मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है और लखनऊ में रेप की वारदात को अंजाम देकर कानपुर भाग गया था। लखनऊ पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई और आखिरकार उसे धर दबोचा गया। जो अभियुक्त था विद्यासागर कुशवाहा उसकी कानपुर से अरेस्टिंग हुई है। अभियुक्त गुजरात में एक थ्रेड फैक्ट्री में काम करता है, धागा बनाने का काम करता है और कानपुर में इसकी फैमिली रहती है। लोहिया पार्क में नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो लेकिन बार बार लखनऊ से आती दरिंदगी की ऐसी खबरों से हड़कंप मच गया है। हाल ही में लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में ऑटो में एक छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके बाद गोमती नगर में थाना क्षेत्र में जानकी मंदिर आश्रम के लोगों पर प्रयागराज की एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया
और गोमती नगर इलाके में ही लोहिया पार्क में नाबालिग लड़की से रेप की वारदात हुई है। जिस तरह से लखनऊ में तीन दिनों में रेप की ये तीन वारदातें सामने आई हैं, उससे महिला सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। साथ ही लखनऊ पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राम राम हिंदुस्तान में अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज वोटों की गिनती होनी है। सुबह 10 बजे से दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में मतगणना होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में मुख्य मुकाबला। 22 साल बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मुख्य मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में है। हालांकि जब नॉमिनेशन फाइल करने का समय था तब मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज पहुंचे थे और उसके बाद अटकलें यही लगाई जा रही थी कि क्या खड़गे ही कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वोटों की गिनती होनी है। सुबह 10 बजे से दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मतगणना होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच ये मुकाबला। 22 साल बाद देखिए कांग्रेस में अध्यक्ष पद का ये चुनाव हुआ है। अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन, गांधी परिवार के बाहर जो अब ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरी परंपरा टूटने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की शशि थरूर, कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है? क्योंकि अब तक हवा का जो रुख रहा है वो खड़गे की तरफ रहा है, लेकिन फिलहाल आप वहां पे मौजूद हैं, क्या अपडेट्स हैं? करिश्मा, सबसे पहले मैं आपको तैयारियां दिखाता हूं। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर क्या की गई है। आज चूंकि अध्यक्ष पद को लेकर 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी है, ऐसे में विशेष तौर पर एक एलईडी स्क्रीन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगाई गई है, जिसमें फिलहाल इस वक्त आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दृश्य नजर आ रहे हैं। यात्रा जो आज की है वो एक टेलीकास्ट इस पे हो रहा है और इसी स्क्रीन के जरिए जो है अध्यक्ष पद की रेस में कौन आगे है कौन पीछे है, ये तमाम अपडेट्स जो है वो दिए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम मुख्यालय के अंदर बढ़े तो आप मेरे ठीक सामने आपको वो स्ट्रांग रूम नजर आएगा जिसमें देश भर के 68 पोलिंग स्टेशन से 9,500 से अधिक कांग्रेस डेलीगेट्स द्वारा डाले गए जो वोट्स हैं उन्हें बैलेट बॉक्स में अंदर सुरक्षित रखा गया है। सामने ही वो ऑफिस भी है मधुसूदन मिस्त्री का, जो कि इस पूरे चुनाव के प्रभारी हैं, और 10 बजे से यहां पर वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ ये कांग्रेस मुख्यालय जिसमें अभी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी यहां बैठती हैं, लेकिन आज से ये 19 अक्टूबर 2022 की तारीख ऐतिहासिक होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि 24 साल बाद आखिरी बार सीताराम केसरी बतौर अध्यक्ष इस कांग्रेस मुख्यालय में बैठा करते थे। लेकिन आज से ये तय होगा कि शशि थरूर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों में से कौन अध्यक्ष पद की कुर्सी को अपने पास रखने में कामयाब होता है। तो ये तस्वीरें हैं। 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचना शुरू होंगे। इसके अलावा जो रिटर्निंग ऑफिसर है मधुसूदन मिस्त्री, जो कि चुनाव इंचार्ज भी है, वो भी यहाँ पहुंचेंगे और धीरे धीरे करके तमाम जो हलचल है वो मुख्यालय। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। दो दिनों के गुजरात दौरे पर है पीएम मोदी। गुजरात में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। आपको बता दें जामनगर और राजकोट में कई प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे पीएम मोदी। और इसी के साथ गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर गुजरात पहुंच रहे हैं। लगातार गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं और बड़ी सौगातें लगातार दी जा रही है। अब आज से दो दिनों का गुजरात दौरा है उनका और गुजरात को कई तोहफे दिए जाएंगे। जामनगर पहुंचेंगे, राजकोट भी पहुंचेंगे, कई प्रोजेक्ट्स की सौगात दी जाएगी। डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और देखिए इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हितेन जुड़े हुए हैं। हितेन, आप लगातार वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर है, क्या तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल सचिन, देखिए आपसे कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली से गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं। 48 घंटे गुजरात में रहेंगे। ये 48 घंटे बेहद ही खास बताए जा रहे हैं क्योंकि फिर एक बार दिवाली के ठीक पहले हजारों करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। 9:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, करीब 10 बजे का वक्त होगा जो गांधीनगर महात्मा मंदिर में डिफेंस एक्सपो का वो उद्घाटन करते नजर आएंगे। 1.5 घंटा करीब वो डिफेंस एक्सपो में रहेंगे। जो डिफेंस एक्सपो का एग्जीबिशन है हेलीपैड ग्राउंड में गांधीनगर में, वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, एग्जीबिशन भी देखेंगे। उसके बाद 12 बजे त्रिमंदिर अहमदाबाद में, त्रिमंदिर में वो मंदिर के दर्शन करते नजर आएंगे। फिर एक अडालज में एक प्रोग्राम है, वहाँ पर भी वो
शिरकत देंगे, उसके बाद जूनागढ़ के लिए रवाना होंगे। जूनागढ़ को वो हजारों करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देने वाले। जूनागढ़ से जब राजकोट पहुंचेंगे, राजकोट एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब गुजरात में थे तो राजकोट के जामकंडोरना से ही चुनावी रैली की हुंकार भरी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन ठीक एक हफ्ते के भीतर फिर एक बार राजकोट सिटी वो पहुंच रहे, तो राजकोट सिटी में उनका एक भव्य स्वागत होगा। करीब 2 से 2.25 किलोमीटर जितना एक रोड शो होगा, उसके बाद 2 रैलियों को वो संबोधित करेंगे। रेस्कोर्स ग्राउंड में एक रैली होगी और शास्त्री पार्क मैदान में एक केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, तो वहाँ भी वो लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे। और उसके बाद वो गांधीनगर लगातार सबकी नजर टिकी हुई है, कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और जो तमाम कार्यक्रम है, जो स्वागतें हैं, सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते रुक करते बड़ी खबर का, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, लश्कर का आतंक है, इमरान बशीर गनी मारा गया है, ये बड़ी खबर। इमरान ने ग्रेनेड दागकर उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की हत्या की थी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इमरान की सूचना पर दूसरे आतंकी को घेरा गया था, आतंकी की फायरिंग में इमरान बशीर गनी मारा गया। जी हाँ, कल शोपिया से इमरान को गिरफ्तार किया गया था और देखिए कितनी बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। वहां पर लगातार एक्शन हो रहा है, गोलीबारी हो रही थी, मुठभेड़ हो रहा था, लेकिन ऐसे में बड़ी सफलता मिली है। लश्कर का आतंकी इमरान मारा गया। इमरान ने ग्रेनेड दागकर उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की हत्या की थी और इससे एक बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। आपको जानकारी दें कि लगातार सुबह खबर सामने आती है, मुठभेड़ होती है और उसके बाद आतंकी मारा जाता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, आतंकियों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की कड़ी चेतावनी सामने आई है। टारगेट किलिंग पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ी चेतावनी दी है। आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाएगी, ये कहा है। नाम लिए बगैर फारूक अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा है। फारूक ने आपको बता दें कि कहा था इंसाफ मिलने तक टारगेट किलिंग नहीं रुकेगी। अब इस पर उपराज्यपाल का प्रहार, उन्होंने 2 टूक यहां पर चेतावनी दी है कि आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाएगी और नाम लिए बगैर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा। आतंकियों के ताबूत में आखिरी कील तैयार, घाटी में इस बार आतंक पर चुन कर प्रहार। बहुत हुआ, बहुत रुला लिया इन आतंकियों ने, लेकिन अब ये आतंकी खून के आंसू रोएंगे। कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने वाले इन दहशतगर्दों के खात्मे की तैयारी कर ली गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 72 घंटे में टारगेट किलिंग कर 3 बेगुनाह हिंदुओं की जान लेने वाले आतंकियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी हो गई है। चुन चुन कर, गिन गिन कर इन आतंकियों से बदला लेने का वक्त आ गया है और इसका ऐलान खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चेतावनी भरे लहजे में कर दिया है। कहना चाहता हूं उनके ताबूत में आखिरी कील भी ठोकी जाएगी। मुझे दुख है कुछ लोग इन आतंकवादियों के शिकार हुए हैं, लेकिन आज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आतंकवाद समूल जम्मू कश्मीर में समाप्त हो, इसकी हर कोशिश अंतिम सांस तक की जाएगी। आतंकियों ने शोपियां में उत्तर प्रदेश के कन्नौज के प्रवासी मजदूर मुनीश कुमार और राम सागर की जान ले ली थी। इससे पहले 15 अक्टूबर को शोपियां में ही कश्मीरी पंडित पूरण कृष्ण भट्ट को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। अजीब विडंबना देखिए कि इन टारगेट किलिंग्स को भी सही ठहराने के लिए फारूक अब्दुल्ला जैसे सियासतदान सामने आ गए। जो फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इंसाफ के बहाने टारगेट किलिंग को जस्टिफाई करने लगे तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें करारा जवाब दिया है। यह कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा बंद नहीं, और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेवार कौन है? आम आदमी जो अमन तरक्की के साथ जीवन जीना चाहता है, ये बयान उन लोगों को परेशान कर रहे हैं।
कुछ लोग न्याय की बात कर रहे हैं, जस्टिस टू होम, किसको न्याय देने की बात कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में अमन चैन की राह में आतंकियों के साथ साथ उनके हमदर्द सियासतदान भी अड़चने पैदा कर रहे हैं और टेरर के इस इकोसिस्टम को तोड़ने की भी बात जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की है, ताकि आतंकियों और उनके सपोर्ट सिस्टम की कमर तोड़ी जा सके। टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट पर काफी हद तक अंकुश लगा है। सपोर्ट सिस्टम को चलाने वाले लोग, मैं कहना चाहता हूं, उनकी ताबूत में आखिरी कील भी ठोंकी जाएगी। सिर्फ इसी साल कश्मीर घाटी में 25 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। कभी कश्मीरी पंडितों को तो कभी प्रवासी मजदूरों को इन आतंकियों ने निशाना बनाया, लेकिन अब इनकी लिस्ट बन गई है और इनके ताबूत में ठोंकने के लिए आखिरी कील भी तैयार हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए इसी के साथ राम राम हिंदुस्तान में फिलहाल इतना ही और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चंदन जुड़ने के लिए और उसके साथ ही सचिन भी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें फटाफट अपना आसपास।